मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे अंचल सोनकर का इस समय एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री सीएसपी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता के इस वीडियो से सूबे का सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप थाना सुधारो नहीं तो मैं सुधार दूंगा, थाने में आकर सबको सब समझा दूंगा, नहीं तो फिर थाने में घुसकर मारता हूं मैं आपको आज बता रहा हूं। मेरा फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका? यह बोल वचन है भाजपा के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर की, जब उन्होंने जबलपुर सीएसपी राजेश राठौर को ऐसे तल्ख अंदाज में फटकार लगाई। उसके बाद एक और लड़का मरा था, वही कार्रवाई पकड़े गए। आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हम आपका विश्वास। विश्वास है यहाँ आप फोन करो, देखते हैं फोन नहीं उठाते, क्या तरीका है आपका? उठाने में उठा के हम सब समझा देंगे इनको आप यहाँ पे। अब देखे ले ऑफिसर साहब, मैं थाने में घुस के मारता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। सीएसपी हाथ बांधे खड़े रहे, कार्यवाही करेंगे और हाँ सुधार करेंगे कहते रहे। शुक्रवार के इस घटनाक्रम का वीडियो शनिवार को सामने आया है। दरअसल घमापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चांदमारी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शाम को वारदात का विरोध जताने पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के साथ कई लोग थाने पहुंचे। उन्होंने घमापुर थाने का घेराव कर दिया। इसी दौरान पुलिस अफसरों को फटकार लगा दी। बात नहीं, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हम आपका विश्वास। विश्वास है यहाँ आप फोन करो, देखते हैं फोन नहीं उठाते, क्या तरीका है आपका? उठाने उठा के हम सब समझा देंगे इनको आप यहाँ पे। अब देखे ले ऑफिसर साहब, मैं थाने में घुस के मारता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। वीडियो आने के बाद कांग्रेस विधायक लखन घनगौरिया ने कहा कि अधिकारियों को धमकाना मानसिक विकृति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।